नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश भर की खबरों को समेटे हम पेश हैं इंडिया 360 के साथ। दिल्ली पर एक बार फिर से मंडरा रहा है एक बड़ा आतंकवादी खतरा। एक खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली में लश्कर के 3 फिदायीन दाखिल हो चुके हैं और इनकी साजिश है नए साल के अवसर पर दिल्ली को दहला देने की। निशाने पर हैं दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके और कई VVIP लोग। दिल्ली में धड़कता है देश का दिल, लेकिन देश के इस दिल की धड़कन को रोकने के लिए सरहद पार से खतरनाक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली को दहलाने की फिराक में है लश्कर-ए-तैयबा। खुफिया सूत्रों की माने तो लश्कर के 3 फिदायीन आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। साजिश के मुताबिक नए साल के मौके पर दिल्ली में धमाके की फिराक में है लश्कर के 3 फिदायीन। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और कई VVIP लश्कर के 3 फिदायीन आतंकियों के निशाने पर है। दिल्ली पुलिस इस बारे में 1 दिसंबर को ये FIR दर्ज कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस खुफिया जानकारी के आधार पर 1 दिसंबर 2015 को एक FIR दर्ज की है, जिसमें इनके कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें ये अपने आकाओं से बात करते हुए ये बातें सामने आई है कि ये देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिदायीन हमले और ग्रेनेड के जरिए हमले करने की फिराक में है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रहने वाले 3 लश्कर के आतंकी दुजाना, उकाशा और उसका एक साथी दिल्ली में बैठकर साजिश रच रहे हैं। पुलिस को इनके कोड नेम भी पता चले हैं और ये नाम है नोमान, जायद और खुर्शीद। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक लश्कर के 3 आतंकियों ने POK से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की। हमारा जो दिल्ली का जो सिक्योरिटी है वो बहुत जो है कि बहुत काम में लगा हुआ है, बहुत बिजी है, कई ऐसे कार्यक्रम में बिजी है जिसका कि कोई अता पता ठीक नहीं है। VIP ड्यूटीज वगैरह और रोड ड्यूटीज एटसेट्रा में लगे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले की तरह ही पाकिस्तान में बैठे आका आतंकियों को ऑर्डर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले भी गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था कि ISIS और लश्कर जैसे आतंकी संगठन विधान भवन से लेकर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसी जगहों को निशाना बना सकते हैं। आतंकी साजिश का खुलासा तो हो चुका है, अब जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की है, जिन्हें इस खतरे को ध्वस्त करना होगा। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवादियों की खबर के बाद अब खबर देश में ISI के जासूसों के जाल की। आज इस मामले में राजौरी से एक और गिरफ्तारी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजौरी से पकड़ा गया शब्बीर स्कूल में टीचर है। इसका खुलासा पिछले हफ्ते पकड़े जासूस कैफतुल्लाह ने किया था। जासूसी का ये मास्टर अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। राजौरी के एक स्कूल में सरकारी टीचर शब्बीर नाम का ये शख्स पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ISI के एक एजेंट कफायतुल्लाह की शिनाख्त पर मोहम्मद शब्बीर नाम के इस जासूस को गिरफ्तार किया है। शब्बीर के पांव में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे राजौरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजौरी के अट्टी गाँव में रहने वाला शब्बीर लंबे समय से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े कफायतुल्लाह नाम के ISI एजेंट ने पूछताछ में किया शब्बीर नाम के इस सरकारी टीचर का खुलासा, जिसके बाद शनिवार की सुबह तड़के दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त शब्बीर और इसकी बीवी अपने भाई के घर पर छिपे हुए थे। पुलिस ने जैसे ही इसके भाई के घर पर छापा मारा, ये अपनी बीवी के साथ भागने की फिराक में था। इस दौरान शब्बीर नाम के इस जासूस ने दीवार से छलांग लगाई और इसका पैर टूट गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मुनव्वर अहमद मीर नाम के इस आरोपी को जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तार किया था। मुनव्वर ने 16 साल तक सेना की नौकरी की और 2011 में हवलदार के पद से रिटायर हुआ था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज एट लिबर्टी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर अबाउट एनी पर्सन। ये उनको देखना होगा, उनको बेगना उसमें ना फंसाया जाए। इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन्वॉल्व नहीं है उसको बिना वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले राजौरी से ही दिल्ली पुलिस ने BSF के एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा था। इसके अलावा कोलकाता से 3, मेरठ से भी एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया था। एक के बाद एक जिस तरह भारत में पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ हो रही है,
और वो भी सरकारी महकमों और फौज से। उसे देखकर लगता है कि भारत में किसी बड़ी साजिश का जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। अश्वनी कुमार, जम्मू, आज तक। मुंबई से दाऊद इब्राहिम डॉन को फरार हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मुंबई में डॉन दाऊद की दहशत अभी भी कायम है। 9 दिसंबर को भिंडी बाजार में दाऊद की एक दुकान की नीलामी होनी है, लेकिन उससे पहले एक संभावित खरीदार ने यह दावा किया है कि दाऊद के सबसे खास गुर्गे छोटा शकील ने उसे धमकी दी। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम फिलहाल भारत से बाहर है, लेकिन उसकी धमक अभी भी मुंबई में सुनी जा रही है। मुंबई में दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू हुई तो विदेश से उसके सबसे खास गुर्गे छोटा शकील की धमकी भी आनी शुरू हो गई। एस बालाकृष्णन पेशा से पत्रकार है, मुंबई के भिंडी बाजार में दाऊद की संपत्ति को खरीदने की चाहत रखते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सनसनीखेज खुलासे का दावा किया है कि छोटा शकील ने उन्हें SMS के जरिए धमकी दी है। 3 तारीख को देर रात को मुझे छोटा शकील का SMS आया था कि तुमको क्या हो गया है और तुम क्या बोली करने वाले हैं, तुम खैर तो हो। तो उनका जो अंडरवर्ल्ड का भाषा है, उनका बोलने का एक स्टाइल है, तो एक मैसेज देना चाहता था मुझे कि तुम इसमें के भाग मत लो। पत्रकार बालाकृष्णन के मुताबिक 9 दिसंबर को दाऊद की दुकान की नीलामी होगी जिसमें वो भी शामिल होंगे। आज तक से खास बातचीत में बालाकृष्णन ने यह भी कहा है कि नीलामी से जुड़े मुंबई के अफसर दाऊद से डरते हैं। दिसंबर 3 तारीख को जब हम गए थे होटल अफरोज, जिसका नाम अभी दिल्ली जायका है, वहाँ पे बोर्ड लगा है भिंडी बाजार में, उसका इंस्पेक्शन लेने के लिए, तो वहाँ का अधिकारी साफ इनकार कर दिया कि शटर खोल के मुझे बताएं कि कैसा अंदर से दिखता है। लेकिन और मैंने कहा थे तो बहुत ही अब्जर्ड चीज़ है, और मैंने जब भी उनके दफ्तर में गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है नरीमन पॉइंट में, वहाँ पे गया, आप जरा कम से कम बताइए, आपका फाइल इंस्पेक्ट करने दीजिए मुझे कि प्रॉपर्टी किसके आपने ये किया है, फॉरफिट किया है, लेकिन उधर भी वो लोग ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि बालाकृष्णन के छोटा शकील की धमकी के दावे पर भी सवाल है, कहीं वो इसके जरिए दूसरे संभावित खरीदारों को दहशत में तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं वो इससे लोकप्रियता तो हासिल नहीं कर रहे हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। रुख अगली खबर का। चेन्नई में स्थिति धीरे धीरे सामान्य तो हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा राहत की ज़रूरत है। हवाई सेवाएं 1-2 दिन में बहाल हो सकती हैं, रेल सेवा भी पूरी तरह से पटरी पर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चेन्नई के लोग अभी भी परेशान हैं। चेन्नई में हालात अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन शहर के जिंदा दिली और राहत कर्मियों के हौसले इसे वापस पटरी पर लाने में दिन रात जुटे हैं। हालांकि चेन्नई में फिर से कभी बारिश हो रही है तो कभी थम जा रही है। समंदर के प्रहरी कोस्ट गार्ड भी राहत के मिशन में लगी है। वायुसेना के विमान लगातार राहत सामग्री गिरा रहे हैं। आज 8 टन सामग्री गिराने का लक्ष्य था। चेन्नई एयरपोर्ट से आज तकनीकी विमान ने उड़ान भरी थी। 1-2 दिन में व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 85% हिस्से में बिजली बहाल करने के दावे भी किए हैं। 65% बस सेवा भी बहाल होने की बात कही गई है। चेन्नई में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हजारों लोगों को बचाने के लिए तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड जमीन, आसमान और समंदर हर तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड के सिर्फ समुद्र पहरेदार में मौजूद हैं, जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर समंदर के रास्ते जो राहत और बचाव का सामान है वो चेन्नई में अलग के अलग अलग इलाकों में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चेन्नई धीरे धीरे सामान्य होने की जुगत में है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी भरा है जिसे हटने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि राहत शिविरों में कई NGO भी लोगों की सुविधा में जुटे हैं। यहाँ पे कुछ इंतजाम किया जा रहा है, दूध की भी, छोटे बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया जा रहा है, पर और भी बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको थोड़ी बहुत मेडिकल एड भी मिल रहा है। हमने देखा कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो खुद अपने आप दवाइयाँ खरीद के लोगों की यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बारिश के कारण जो प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम्स हो या जुलाब या डायरिया, बाकी सब जो मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं। चेन्नई को कुदरत ने बड़ा जख्म दिया है,
लेकिन इंसानी हिम्मत और जज्बा इसकी भरपाई भी जरूर करेगा। चेन्नई में मंजीत सिंह नेगी, रोहिणी स्वामी और प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे। नीतीश कुमार ने बिल गेट्स को हाथ से बनी मिथिला पेंटिंग का शॉल पहनाया। ये जो शॉल आप बिल गेट्स के गले में देख रहे हैं, ये शॉल पहनाकर सम्मान दिया, सम्मानित किया। साथ ही साथ बुद्ध स्तूप भी बिल गेट्स को भेंट किया। मुख्यमंत्री के घर पर बिल गेट्स और नीतीश कुमार की ये बैठक 45 मिनट चली। बिल गेट्स ने नीतीश कुमार को बिहार चुनाव में जीत पर बधाई दी। आज गुवाहाटी और बांग्लादेश में दिनाजपुर शहर बम धमाकों से थर्रा उठा। गुवाहाटी में दो धमाके हुए। ये धमाके फैंसी बाजार और जेल रोड इलाके में हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि बम कूड़ेदान में रखे हुए थे। बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के परिसर में धमाका हुआ, इसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका दिनाजपुर के कांताजी मंदिर में हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 देसी बमों से ये धमाके किए गए। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल धमाकों का उद्देश्य पता नहीं चल पाया है। तो लोग कई बार ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब उन्हें लगता है कि ऐसे जिंदगी से तो मौत बेहतर। ऐसा हमारे साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर के जू में सोनू नाम के भालू को आज दया मृत्यु दे दी गई, क्योंकि इस बीमार भालू को बचाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इंदौर चिड़ियाघर में 33 साल के भालू सोनी को इंजेक्शन देकर दया मृत्यु दी गई। सोनू को 3 साल पहले लकवा मार गया था। इंदौर चिड़ियाघर में ही सोनू का जन्म हुआ था। अंतिम विदाई देने के लिए बच्चे फूल लेकर खड़े हुए थे। डॉक्टर्स कर्मचारियों की आंखें इस वक्त नम हो गई। जिस सोनू को वो खिलाते थे पिलाते थे, जिसका जन्म उनके सामने हुआ था, जिसे उन्होंने पाला पोसा था, आज अपने ही हाथों से उसे उन्होंने मौत दी। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार। कोटला टेस्ट बस मुट्ठी में, जीत से चंद कदम दूर हम। कैसे हासिल होगी जीत, बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए आज। गैस चैंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मोह छुपा